इसलिए मैं करना चाहती हूँ कि मैं जब तक, मैं यही कहती हूँ कि मुझे जब तक जाया जा रहा है ना, मैं जाऊंगी, और जिस दिन मुझसे नहीं हो जाया जाएगा मैं बैठ जाऊंगी। कुछ लोग पता कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे क्या कहते हैं, अपनी मम्मी से काम कराते हो, अपनी सासू माँ से ड्यूटी भेजते हो, उनकी कमाई खाते हो तुम। ये तो मुझे बहुत है, मुझे वही सुना देती है, वो ऑफिस में ही ये तो मुझे सुनाते ही रहता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, मैं कभी स्टार्ट करती थी कभी नहीं करती थी, तो मैंने कहा चलो आज का ब्लॉग मैं ही स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, आप लोग ये और बताना कि आजकल मैं मिनी ब्लॉग डाल रही हूँ, तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मिनी ब्लॉग ज़रूर बताना। और ये लोग गए थे शॉप पर, आ गए शॉप पे से, मेरा एक कुरकुरा रखा हुआ था, मैं रात में, जैसे मैंने आपको बताया मुझे भूख लग रही थी, तो इसको ये खलबली हो गई, मुझे कुरकुरा खाना है, तो अभी मैंने कहा जाके ना शॉप पे से लेके आए, मुझे 11 बजे मंगाना पड़ता है। हाँ जी, बीपी लो हो जाता है, बीपी लो, बहुत गर्मी हो रही है यार, बीपी लो सच में हो जाता है। अगर मन नहीं कर रहा, रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा तो मत बनाओ, मतलब औलाद कैसी है। और मम्मी ये रही, हाँ जी मम्मी कैसे हो? ठीक है। और मम्मी एक ना क्वेश्चन है, वो कुछ लोग ना बार बार करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि चलो मम्मी से ही जवाब दिलवाते हैं, क्योंकि मैं जवाब दूंगी तो आपको लगेगा मैं ऐसी बोल रही हूँ। ये पता मम्मी, जो आप जॉब कर रहे हो अपनी खुशी से कर रहे हो या हम लोग करा रहे हैं आपसे? नहीं, मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ, ये लोग तो मना करते हैं। सुन लिया आपने, हम लोग मना करते हैं कि मैं इसलिए नहीं रहना चाहती घर में, क्योंकि घर में रहूंगी ना तो ज्यादा पड़ जाऊंगी, ज्यादा हाथ पैर जाम हो जाएंगे, इसलिए मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैं इनसे कहती हूँ मुझे जाने दो जब तक मेरे हाथ पर चल रहे हैं। और जॉब के पीछे कितनी बार, एक बार मेरी बहस हुई थी कि मैंने, मम्मी मत करो जॉब, नौकरी छोड़ो, नौकरी छोड़ो, लेकिन ये मुझे कोई भी नहीं कहते हैं। हाँ, ये मुझे दोनों मना करते हैं, पर मैं कहती हूँ कि मैं घर में पड़ जाऊंगी तो ज्यादा बीमार हो जाऊंगी, ज्यादा हाथ पैर जाम हो जाएंगे। और अभी भी इनके हाथ पैर जाम है, इस चक्कर में ये एसी में सोती नहीं है। हाँ, मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं जब तक मुझसे जाया जाता, मैं जब तक मुझे करने दो, उसके बाद तो मैं घर में ही हूँ। क्योंकि कुछ लोग पता कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे क्या कहते हैं, अपनी मम्मी से काम कराते हो, अपनी सासू माँ से ड्यूटी भेजते हो, उनकी कमाई खाते हो तुम लोग, बताओ। नहीं, मेरे कमाई खाते हैं तुम, आप ही बताओ। नहीं है, मुझसे कोई पैसा नहीं लेते और ना कुछ मुझसे खर्च कराते हैं, जो मैं अपनी मर्जी से कर दूं, अपनी मर्जी से जो करती है, ये मुझसे कोई भी नहीं, कोई जबरदस्ती नौकरी करा रहे, हम बोलते हैं लेकिन उनका जब तक मन है, एक तरह का होता है ना, गवर्नमेंट ये अभी से नौकरी नहीं कर रही है, इनको कुछ नहीं, मम्मी कितना साल हो गए, साल हो गए 30-32-35 साल होने जा रहे हैं। अब लगभग जो 30-32 साल से पहले से जो नौकरी कर रहा है वो एकदम घर कैसे बैठेगा? नहीं बैठ सकता। अब जब मेरे सारा बुढ़ापा मतलब वहीं आ गया है, ये लगा लो जवानी के टाइम से वहीं काम कर रही हूँ, एक ही जगह और अच्छी जगह है, सब लोग इज्जत करते हैं वहाँ पे, तो मानते हैं, तो जब मुझसे अभी करा जा रहा है काम, तो इसलिए मैं जाती हूँ। और मैं चाहते तो हम इसका जवाब खुद भी दे सकते थे, मैंने कहा नहीं, लेकिन मम्मी से दिलवाते हैं, नहीं, आपको तभी होगा। ये मुझसे कोई भी नहीं कहता, ये दोनों मुझे बहुत करते हैं, ये तो मुझे बहुत ज्यादा करता है, ये तो बैठा है, ये तो मुझे कहता रहता है आगे तुम नौकरी कर लो, बस तुम चल देती हो सुबह, बैग उठा के चल देती हो सुबह, बैग उठा के, ये मुझे बहुत बहुत करता है। छोटे से बच्चे भी हैं, हम भी हैं, और फैमिली में अब इनकी टाइम देने की उम्र जो है टाइम देने की है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि छोड़ दो, मेरे से ले लो सैलरी घर बैठ। हाँ, ये मुझे यही बोलता है। लेकिन ये चक्कर क्या है ना, इनको ऐसा है कि ये काफी टाइम से वहाँ कर रही है, तो इनका थोड़ा वहाँ पे टाइम अच्छा पास हो जाता है, अब मन थोड़ा लग जाता है वहाँ पे, जितने भी लोग हैं सारे पुराने हैं, पुराने लोग हैं, देखा है इनने, ये मिलके भी आता, देखा भी है, 20 साल से 25 साल से जो लोग हैं ना पुराने हैं काफी, तो सबकी ना आपसी सब बहुत, हाँ बहुत इज्जत देते हैं और बिल्कुल घर जैसे ही रखते हैं, मतलब हर सब में बहुत प्यार मोहब्बत है, घर जैसा एटमॉस्फेयर है। हाँ, और बच्चे हमारे हैं ना दोनों, आजकल बच्चे दादी के पास कितना रहते हैं, बस थोड़ा बहुत मैंने अगर कर लिया तो ये अपने उसमें ही मस्ती में मस्त रहते हैं, इसलिए तो मैं घर में पड़ जाऊंगी ना, तो मैं ज्यादा मेरे हाथ पैर जाम हो जाएंगे, इसलिए मैं करना चाहती हूँ कि मैं जब तक, मैं यही कहती हूँ कि मुझे जब तक जाया जा रहा है ना, मैं जाऊंगी, और जिस दिन मुझसे नहीं हो जाया जाएगा मैं बैठ जाऊंगी, इसलिए अब हमने
पहले हम बोलते थे इस चीज को, लेकिन हमने बोलना छोड़ दिया। इन्होंने एक ही चीज का जवाब दिया है कि जब तक हो रहा करने दो, जब मेरे से नहीं होगा मैं कहती हूँ मैं बीमार, मुझे बीमार देखना चाहते हो, बीमार हो जाऊं। हाँ, यही बोलती है कि और मेरे को बेड पे पड़वाना चाहते हो, अभी तो मेरे यही वो है गठिया भाई की प्रॉब्लम है, अब नहीं तो हो जाएगी तो मैं बेड पे पड़ जाऊंगी। दवाइयाँ मेरी चल रही है, दवाइयाँ मैं खाती हूँ, पर मैं अपना अभी जा सकती हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती जाने की, और चली जाती हूँ ऑटो ऑटो लेके अपना आराम से चली जाती हूँ। उधर से भी ऑटो ऑटो में ही आती हूँ, बसों में नहीं जाती करती है पूरे महीने में। हम तो बोलते हैं कम से कम दो चार छुट्टी कर लिया करो, नहीं करती महीने में चार छुट्टियाँ तो वैसे मिल जाती हैं, और तो मैं करती नहीं हूँ। और किसी के पास मुझे ज्यादा जाना आना किसी के पास अच्छा ऐसा भी नहीं है कि ये घर पे बैठनी है तो किसी के घर जाएं, किसी से मिलने आई है, ये भी नहीं, क्योंकि रिश्तेदार में भी नहीं जाती है, इवन शादी पार्टी में भी नहीं जाती है, वो कम ही जाना पसंद करती है। तो बस यही है, नौकरी करती है, किसी के घर में भी ज्यादा कोई कहे कि चलो उससे बात कर लो उससे बात कर लो, तो ये भी मुझसे नहीं होता ना, तो इसलिए मैं अपना वही अपना दिमाग लगाना चाहती हूँ, इसलिए मेरा जाना आना रहता है बस। और हाथ पैर चलाना चाहती हूँ जब तक। ये दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये दोनों कभी भी नहीं कहते मुझसे, ये लड़ती है, ये तो मुझे बहुत है, मुझे वही सुना देती है वो ऑफिस में ही। एक बार दिवाली की बात है, दिवाली अभी जो लास्ट दिवाली और ये तो मुझे सुनाते ही रहता है। तो मम्मी पता क्या हुआ था वहाँ पे, घर में पूजा पूजा होनी है, सब कुछ होनी है, मार्केट भी करनी है, और मम्मी पहले अपना ऑफिस का वो कर ली, माँ बुलाते हैं ना दिवाली पे पूजा के लिए, तो मई की पूजा कर लो या बताना तू। तो मैं इसलिए मम्मी को बोल देती हूँ कोई बात नहीं चलता है, ऐसा नहीं है कि जैसे माँ बेटी में चलता है साधु में भी चल जाता है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत डांट भी देते तुम्हारी ड्यूटी ड्यूटी, दोनों मतलब मुझे हर चीज मना करते हैं, ये तो मुझे हर रोज एक ही बात बोलता है कि बैग उठाया चल देती हो, बैग उठाती चल देती हो, रेस्ट भी कर ले करो, एक आध छुट्टी मान लिया करो, ये मुझे रोज कहता है। बल्कि मैं तो ये भी बोलती हूँ, मैंने कहा घूमने चली जाए करो अपनी संग सहेलियों के साथ, लेकिन मम्मी नहीं करती है छुट्टी संग सहेलियों घूमने पर, वो ये कहती है कि भैया फिर ज्यादा दूर डिस्टेंस में नहीं जाता है तो प्रॉब्लम है दर्द की, इस वजह से भी। और मेरा है ना, मैंने अपना एक गुरु ज्ञान ले रखा है, तो मेरा मन नहीं करता, मैं जो भी याद भजन जो भी करती हूँ पूजा जो भी करती हूँ, मैं घर में ही बैठ के खुश रहना चाहती हूँ, मैं कहीं इधर उधर ज्यादा दूर जाना भी नहीं चाहती हूँ। कहीं जैसे तीर्थ पे लोग जाते हैं घूमते हैं, तो वो मेरे को मतलब मन से ही नहीं होता, मन से यही होता है कि ये जो भी है ना अपने मन से आत्माओं से पूजा मेरी घर में ही होती है, बस ये होता है मेरे। ठीक है, तो आपको इस चीज का जवाब मिल गया, बार बार यही जब आप बार बार क्वेश्चन करते हो, उस दिन आप सब्जी नहीं लेकर आई थी, दो तीन सब्जी लेके आई थी, तो उस दिन मेरे को कमेंट आया कि क्या कहते हैं अपनी सास की कमाई खाती है, अपनी सास से सब्जियां मंगा रही है, इनको भी आया कमेंट है। नहीं वो पता है सब्जियां क्या, मुझसे थोड़ी जितना तो, लाया जाता ना सामान, रही सब्जियां लाने की बात, आपके घर में भी माँ होगी सास होगी बहू होती है बेटी होती है सब होती है, तो ये सब्जियां लाना घर में सब्जियां कट कर देना ये तो बूढ़े बुजुर्गों का काम होता है, बहू तो घर में खाना बनाती है। मेरा खुद भी मन करता है मैं मार्केट से घूम के आती हूँ कि मैं चलूँ देखूँ मेरी पसंद में मतलब कोई सब्जी वब्जी हो तो मैं लेती चलूँ, इसलिए ड्यूटी पर से आती है कोई सब्जी मिल जाती टकर जाती है कि हाँ ये चीज ले ली तो ले लिया, ऐसे होता है, ऐसे करती हूँ क्योंकि आती मार्केट से, और हम घर में रहते हैं और एक दूसरे पे हम थोड़ा बहुत खर्च कर देते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट नहीं करेंगे। हमारे से ये कोई अपने स्पेशल हमसे कोई भी खर्चा नहीं करवाते हैं कोई भी, सुन लिया। तो चलिए मैं बना लेती हूँ मूंग दाल खिचड़ी बना दूँ, ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ मूंग दाल खिचड़ी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। A few moments later. तो खिचड़ी बन चुकी है, yes. ये रही खिचड़ी, ऊपर करना खिचड़ी को, खिचड़ी और खिचड़ी में हो गया नमक कम, तो इसलिए हम ऊपर से नमक डाल रहे हैं, कभी नमक ज्यादा कभी नमक कम हो जाता है, सब चलता है यार। और हम लोग अब खा रहे हैं दही के साथ, दही के साथ। इन दोनों को अच्छी नहीं लगती पर जबरदस्ती खिला रही हूँ मैं, खाओ खाना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, खाना पड़ेगा ठंडी करके खा। One hour later. अरे कितनी देर में बनेगा तेरा पोहा? बन गया बस, ये सुबह का नहीं गाइस, शाम का पोहा और चाय बनाया है हम लोगों ने। अरे क्या हुआ ना, आज हमने खिचड़ी बनाई थी, फिर भूख लग गई, तो फिर भूख सी लग गई क्योंकि हल्का होता है ना, तो फिर अब भारी कर रहे हैं उसको। मतलब ऐसा हल्का खाने का फायदा क्या है, जो दोबारा उसको खा कर फिर भारी करोगे तो है ना, एक बार में ठोस खा दो। ये मैंने अभी सोचा यार रोटी खा लेना चाहिए था।
ऐसे हल्के खाने का क्या फायदा जो दोबारा दोबारा बनाना पड़े। अच्छा दो प्लेट मम्मी की एक। अच्छा मम्मी खाएंगे पोहा? मम्मी का पक्का सत्संग चल रहा होगा, गुरु जी का सत्संग नहीं चल रहा, ये सत्संग ही चल रहा होता। पोहा और चाय हमारा भी दे दे भैया, भूख लग रही है। खिचड़ी खिचड़ी खाई तो जल्दी भूख लग गई ना, है ना? अभी नहीं लगी मम्मी को? नहीं लगी बे। हाँ हम लोग डेली ठूसने वाले ना दबा दबा के, तो आज हमने कम ठूसा है तो इसलिए भूख लग रही है हमें। आइए आपका इंतजार बिल्कुल भी नहीं था, दफा हो जाइए यहाँ से। एसी चला दो भाई। नहीं नहीं अभी घर जाते, दिन में नो एसी। एसी का मजा ना ठंड में ही है, चला दो। तो ये जो चाय आपने बनाई है ना, हम इसको अभी नया पी करके हम इसको ठंड में पियेंगे। अभी इसे दिसंबर में गर्म करके लाना, चलो निकल लो। जाओ ना, ये चला रहे हो या बताऊं? अभी प्यार से बोलूं समझ नहीं आ रहा है क्या? एमसी भी उठा दिए, रिमोट वो रखा, चला लो। डर देगा, डर ले जा, डर डर किसी का बाप। चलो भाई सब्जी तरकारी भाजी तरकारी लेके आते हैं, आराम से चलते हैं। और मंडे मार्केट, किसी को सेल्फी लेनी हो तो आ जाना। अरे 30 रुपए किलो आधी किलो मिल रही है, ये लड़की बोल रही है थोड़ा सा और लेट आते तो 20 रुपए की आधी किलो मिल जाती। 11 बजे आओ। 10 का एक नोट वापस कर रही है यहाँ पे। हो गया वापस? नहीं हुआ? नहीं हो रहा है ना। मिल गया 20 का। एक तो इतनी भीड़ देख के ना भाई वैसे ही गर्मी लग रही थी, उसके बाद में जो हुआ ना वो देखो आप, कितनी भीड़ हो रही है। छोले भटूरे तल रहे हैं भाई साहब भरी गर्मी में, कैसे खा रहे हैं ये मेरी तो समझ नहीं आती। 3 hours later। और गाइस रात के बज रहे हैं करीब 12:15। ये लड़की पता है क्या बोल रही है, नीचे जाके दुकान ढूंढ के ना कुरकुरा लाओ। दुकान ढूंढने नहीं है, खुली पड़ी थी। लश खुली हुई थी ना, चुपचाप से देखा था जिस टाइम बोला था, बंद हो गई है। नहीं बस सब्जी भाजी तरकारी लेके आए थे, थक गए थे, गर्मी बहुत हो रही है, आराम से मैं तो सब्जी खा के सोने बैठ गए। बस आधी सब्जी लेकर आई, आधी क्या सब्जी जो थी दिख रही थी वो ले आई थी, पर इतनी वो गर्मी लग रही थी ना, बस करने से मेरा घर चलो बाद में देखेंगे भैया, है ना। फिर हमने खाना तो हम खा के गए थे, खाना हमने खा के गए थे, और फिर अब आकर के चुपचाप लौट रहे, सो गए। भैया थकावट हो रही है बहुत ज्यादा, और इनका देखो नीचे बिस्तर लगा हुआ है। और ये डरपोक, ये लक्ष्य कहता है पापा इधर सो, जब तक ये सो रहा होता है मतलब जगा रहता है तब तक ये यहाँ सोते हैं, उसके बाद ये नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ना बेड पे इनको पता नहीं क्या है इनके। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे नींद नहीं आती बेड पे, कमर में दर्द होने लगता है, मतलब सर्वाइकल प्रॉब्लम है ना, तो इसको बेड सूट नहीं करता। बस सोते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह नए व्लॉग के साथ, और इस व्लॉग को करते यहीं पे अंत, कल करेंगे प्रारंभ। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस, बाय बाय। फोन बज रहा है तुम्हारा, पता नहीं क्या हो रहा है। बाय।